संदीप पूछते हैं, एलपी टेस्ट सीरीज इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा क्या? और ऐसे ही हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं कि सर जो आपका क्वेश्चन है उसका पीडीएफ मिलेगा क्या? तो उसी के बारे में ये वीडियो है पूरी तरह से, जिसमें हम बात करेंगे एडुकेशन चैनल को बीडीए का पीडीएफ क्वेश्चन में देना चाहिए, क्वेश्चन के रूप में देना चाहिए या नहीं, जिसका क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लोगों का यही रहता है कि सर ये पीडीएफ मिल जाता तो मेरी पढ़ाई अच्छी होती, इसके क्वेश्चन मिल जाते। तो दो चीज़ें पे यहाँ डिस्कस करेंगे, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट इसमें है कि क्या देना चाहिए, हाँ या नहीं। तो मेरा सवाल दोनों के बीच में रहेगा, हाँ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए नहीं, क्योंकि उनको अगर वीडियो बनाते हैं जिसका अट्रैक्शन कम होगा, अगर आपने पीडीएफ डाला तो। अगर मान लिए कि आपने 1 आवर का वीडियो डाला, यानी 60 मिनट का वीडियो है, आपने वीडियो के पहले ही 1 मिनट में बता दिया, तो सारे लोग आपको उस तरफ चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दोनों के बीच को रास्ता निकालते हुए इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कुछ, जिससे आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाए और यूट्यूबर पे यूट्यूब की वैलिडिटी भी बनी रहे जितनी आपको देखना चाहें। तो इसके लिए अगर हाँ अगर कहे तो हाँ कहने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो आपको लिंक गूगल ड्राइव से दे दिया जाए, जिससे आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपना वेबसाइट बना दिया जाए, जिससे जाकर आप डायरेक्ट वहाँ पे उसी क्वेश्चन को उसी आप पढ़ने के रूप में ले सकते हैं, जिससे ना गूगल का नुकसान होगा, ना आपका नुकसान होगा, ना यूट्यूबर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसी के रिगार्डिंग आज यहाँ बात करने वाले हैं। तो अगर गूगल ड्राइव से अगर कोई हम लिंक देते हैं तो हो सकता है यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ भी जाए या नहीं भी जाए, तो आपका वीडियो का महत्व कम होगा। यानी अगर कह सकते हैं 50 मिनट का आपका वीडियो है, अगर पहले 2 मिनट में आपने बता दिया इसमें लिंक है, तो कोई भी व्यूअर सबसे पहले लिंक पे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करने की कोशिश करेगा, जिससे यूट्यूब पे वीडियो की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ये पहला ऑप्शन है, जिसलिए मैं लिंक को प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा आपको अपना वेबसाइट बना दिया जाएगा, जो फ्री वेबसाइट है और गूगल का ही है, जिससे आपको डायरेक्ट वेबसाइट को प्रयोग करके आप उस क्वेश्चन को ले सकते हैं, जिससे यूट्यूब से आपको वेबसाइट पे नहीं, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका ऑप्शन ये है। आप देख सकते हैं, जिसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे देख लें, HTTP railwaylifeLP blogspot.com, ये blogspot.com गूगल का ही प्रोडक्ट है, जिस पे आप जाके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल था, संदीप जी का सवाल था कि एलपी टेस्ट सीरीज या और भी जितने भी वीडियो है उसकी क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? तो पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर मिले जाए दोस्त, चाहे आपको पिक्चर के रूप में मिले या टाइपिंग के रूप में मिलेगा। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रेलवे लाइफ एलपी blogspot.com पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों का सवाल का जवाब मिल जाएगा कि एजुकेशन चैनल पे वीडियो का पीडीएफ क्वेश्चन देना है या नहीं देना है। तो मैं यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर में प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन आपको चैनल के लिंक से नहीं, डायरेक्ट आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ये आपके लिए और हमारे लिए भी बेहतर होगा कि यूट्यूब भी अच्छा से चले, और आपको अगर ज़रूरत है तो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।